हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप लोग यहाँ पे YouTube में किसी वीडियो को अगर आप लोग यहाँ पे प्ले करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे आपको ये जो कट का आइकॉन है वो दिखाई देता है एंड यहाँ पे आपको ये सभी जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस, जब तक आप लोग जो है इसको क्लिक नहीं करेंगे, ये आइकॉन यहाँ से नहीं हटता है और ये जो प्ले पॉज का जो लोगो है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है। जब तक आपको मतलब जब तक आप इसको नहीं हटाएंगे तब तक ये यहाँ पे शो करता है। तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में यूट्यूब को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर की ओर स्लाइड करनी है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी प्लेयर का ऑप्शन आएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे ये जो है इसको जो है डिसेबल करना है। तो आप लोग यहाँ पे इसको डिसेबल कर लीजिए। तो उसके बाद दोस्तों, आप लोग यहाँ पे किसी वीडियो को प्ले करेंगे तो उसके बाद से अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। तो प्रॉब्लम अभी जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।